अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी नान। इसमें ना मैंने अंडे यूज़ किए हैं और ना ही दूध, लेकिन फिर भी बहुत ही सॉफ्ट और मज़े की बनी है। इसे ओवन में पकाया है। मैं एक कप नीम गर्म पानी, उसमें एक टेबल स्पून यीस्ट, एक टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें। 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से हिलाती जाएं, यहाँ तक कि चीनी नमक सब हल हो जाए। मैंने 4 कप मैदे का लिया हुआ है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैदा डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। हाथों के साथ आटे को गूंदे, अगर पानी की ज़रूरत हो तो शामिल कर लें और एक नरम सा डो तैयार कर लें। गर्म जगह पर डांप के 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटा हो चुका है। अभी इस आटे के 4 बराबर के पेड़े बना लें। अब एक पेड़ा लेके उसको फैला दें और अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी शेप बनाना चाहें उसको बना दें। इसी प्रोसेस को बाकी चारों नान के साथ दोबारा रिपीट कर लें और अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर डिज़ाइन बना लें। मैंने इस तरह का बनाया है, आपको जो पसंद है उसी तरह बना लें। ये एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन है जो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि नान इसी तरह का होता है, लेकिन अगर आपको कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं डिज़ाइन बनाने में तो बहुत आप खुशी से बना सकते हैं अपने लिए। मैंने अंडे की जर्दी पेंट करके ब्रश के साथ इसके ऊपर लगाया है। ये इस वजह से कि बेक होने के बाद इसमें बहुत खूबसूरत सी चमक आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। अब आखिर में इस पर मैंने वो कलौंजी डाली है, आपके पास है तो वो डाल दें या तो तिल डाल दें। बेकिंग ट्रे को ऑयल कर, थोड़ा सा इसको ऑयल लगा ले और अभी नान को उस पर लगाते जाएं। मैंने ओवन को आधे घंटे पहले 220 डिग्री पर ऑन किया हुआ है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए और हमारा नान पक जाए। तो हमारे चारों नान तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे ओवन में डाल रही हूँ। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रख दें। ओवन में डालने के बाद टाइमर लगा लें और इसको चेक करते जाएं। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। वाओ, हमारा सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत तंदूरी नान तैयार है। हर किस्म के सालन, कढ़ाई, कोफ्ते, निहारी, हांडी, कबाब, यहाँ तक के सुबह के टाइम नाश्ते में अंडे और मक्खन के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।